चलिए 10th क्लास पॉलिनोमियल, लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक। पॉलिनोमियल के सेकंड वीडियो है 10th क्लास वालों के लिए। तो सेकंड टाइप मेरे पास में आ जाए, फाइंड अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ द जीरोस आर गिवन। तो फाइंड अदर जीरोस व्हेन सम ऑफ द जीरोस आर गिवन। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। तो ये है हमारे पास, दिस इज द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बट एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्टेन ऑल द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग टू जीरोस आर दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं तो देसी भाषा का यूज करूंगा कि ये हमारे पास एक ताला है, इसकी डिग्री जो मेरे पास में है, डिग्री आपके पास देखो उसकी डिग्री कितनी गिवन है, 4 है। तो 4 डिग्री है, तो इसके सॉल्यूशंस या फिर इस ताले की 4 चाबियां भी होंगी। तो उन 4 चाबियों में से मुझे यहाँ पर 2 चाबी दी है और बाकी की 2 जो बची हुई चाबी है मुझे वो ढूंढना है। तो ये तो क्वेश्चन हुआ इंग्लिश में, स्टेटमेंट में ऑब्टेन ऑल द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैविंग टू ऑफ द जीरोस आर गिवन। तो ये 2 जीरो दिए हैं, बाकी अदर जीरोस मुझे और निकालने हैं, डिग्री 4 हमारे पास है। चलिए बोर्ड के लिए ये आपके पास में 3 या फिर 4 मार्कर के लिए ये क्वेश्चन 100% कोई भी एग्जाम आप लोगे, यूट्यूब वगैरह होगा उसके लिए आपका ये क्वेश्चन आने आना होता है। तो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास में पहले जो है ये दो मेरे पास जीरोस हैं वो मैं लिख लेता हूं, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5 एंड माइनस का अंडर द रूट ऑफ 5। ये मेरे पास में 2 जीरोस हैं। अच्छा, तो जीरोस में आई कैन राइट जीरोस को मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस का रूट 5, सॉरी प्लस का रूट 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 5। ट्रांसपोजिंग हम करेंगे तो जो मेरे पास में फैक्टर्स बनेंगे x माइनस का रूट 5, देखो मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, और दूसरा मेरे पास फैक्टर बनेगा x प्लस में अंडर द रूट ऑफ 5। तो ये मैंने रिवर्स गियर लगाया, हम जब फैक्टर निकालते थे फैक्टर से जीरो निकालने के लिए हम उधर ट्रांसपोज करते थे, अब जीरो से फैक्टर निकालने के लिए मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो और कुछ नहीं किया हमने, फिर से बोलता हूं, फैक्टर से जीरो निकालने के लिए हम उधर ट्रांसपोज करते थे जीरो की उस तरफ, अब जीरो से हम इधर ला रहे हैं बिकॉज जीरो गिवन है, तो मैंने फैक्टर निकाल लिए। अच्छा, ये जीरो था, ये फैक्टर था, और अब मेरे पास में निकलेगा कॉमन फैक्टर। अच्छा, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो इन दोनों को मिला के बनाया मैंने, तो ये जो मैंने इन दोनों को मिला के बनाया मतलब वी नीड टू फाइंड इट्स प्रोडक्ट, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, कॉमन फैक्टर जो निकला मेरे पास, दैट इज आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का ये निकला 5। तो ये मेरे पास में निकला, दिस इज द कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये कॉमन फैक्टर मेरे पास में ये निकला। अब क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का, तो वी नो दैट कि कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसमें उसका डिवाइड जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस कॉमन फैक्टर का इसमें डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। और डिवीजन करने के बाद में, जो डिवाइड करने के बाद में मेरे पास में चीज आएगी वो हम अभी देखते हैं, पहले ये मस्ट है कि इस वाले का इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर है, तो पी ऑफ एक्स मस्ट बी डिविजिबल बाय by x square minus का 5। तो हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड के लिए हम करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग डिविजन मेथड को फॉलो कर लेता हूँ, दिस इज x raised to the power 4 plus 4x cube minus of 2x square minus of 20x और minus का 15 and is divides by, तो यहाँ पर हम डिविजन इसका ले रहे हैं पूरा, होप इतने में आ जाना चाहिए, आ जाएगा। तो डिवाइड मुझे करना है x square और माइनस का 5 से। अच्छा, जो 10th क्लास करके आए उनको डिवीजन सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप देख लेना, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, फिर भी मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ मुझे कितना लगाना पड़ेगा, x का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, x की पावर 4 और माइनस का 5x स्क्वायर। तो ये जो माइनस का 5x स्क्वायर है ये इसके नीचे नहीं आएगा बिकॉज ये स्क्वायर इससे मैच कर रहा है, तो ये आएगा माइनस का 5x स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज, ये माइनस का हो गया और ये आपका प्लस का हो गया, ये कैंसिल, और ये चीज मेरे पास नीचे आ जाएगा 4x क्यूब एंड प्लस में 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 20x और माइनस का 15, ये हमारे पास आ गया। अब x square minus 5 मेरे पास में है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं, इस वाले में कि मेरे पास ये आ जाए 4, तो एक तो मैं प्लस का 4 लगाऊंगा और यहाँ पर डिग्री देखो यहाँ 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कितना लिखेगा x की डिग्री 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 4x क्यूब
एंड माइनस का 5x, तो फिर माइनस का 5x जो है वो इसके नीचे नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा, दिस विल बी माइनस ऑफ 5x। अच्छा ये नेगेटिव और ये आया मेरे पास पॉजिटिव, ये कैंसल हो गया। अब मेरे पास बच रहा है थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस में ये कितना बचेगा, दिस विल बी 15 ऑफ x, मगर माइनस का बिकॉज 20 बड़ा है, और ये बचेगा मेरे पास में माइनस का 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास में ये मेरे पास में एक्स स्क्वायर है, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये 3 आएगा मेरे पास में, बट यहां पर शायद ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 20 आएगा, ये 20, और ये वाली टर्म जो मेरे पास में जा रही है ये भी कैंसिल होगा, दिस इज 4 5 20x, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब मेरे पास कितना बच रहा है, ये बच रहा है मेरे पास माइनस का ये 15 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम कितना लगाएंगे यहाँ पे प्लस का 3, तो ये निकलेगा 3x का स्क्वायर और माइनस का 3 5 15, साइन चेंज करोगे माइनस प्लस तो ये कैंसिल। देखो ये रिमाइंडर यदि आपका आ रहा है इसका मतलब आपका यही क्लियर हो गया कि आपका सही है, रिमाइंडर 0 नहीं आया दैट मींस आपने कुछ मिस्टेक करी है, तो ये रिमाइंडर आना जरूरी है क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो उसमें डिविजिबल होगा ही होगा। अच्छा अब हम क्या लगा रहे हैं, नाउ बाय यूजिंग डिविजन एल्गोरिदम हम यहाँ पे लगा रहे हैं डिविजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम डिविजन एल्गोरिदम बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल में ये है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स और इनटू में कोशेंट एंड प्लस में रिमाइंडर, ये वही है जो आपने बचपन में सीखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो द पी ऑफ एक्स ये मेरे पास में जो क्वेश्चन था, ये मेरे पास इतना बड़ा क्वेश्चन को हम पूरी तरह मतलब उसको पूरा एक्सपांड करके ना लिखे, हमने उसका नाम रख दिया ये पी एक्स, पी एक्स मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी एक्स मेरे पास में जो डिवाइजर था ये था मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और जो कोशेंट आया मेरे पास कोशेंट आया दिस विल बी एक्स का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 3 एंड द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। चलिए अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द जीरो करना है, तो ये हमारे पास वही चीज आएगी फॉर गेटिंग द जीरो, फॉर गेटिंग द जीरोस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। भैया जीरो निकालने के लिए आपको जीरो का यूज तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 5, ये अगले स्टेप यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकला एक्स का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा निकला एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ये वाला फैक्टर हमारे पास यदि आप ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ से जो दो जीरो निकलेंगे वो निकलेगा x इज इक्वल टू रूट 5 और दूसरा निकलेगा x इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास ऑलरेडी थे तो ये तो हमारे पास नहीं चाहिए, ये हमारे पास में गिवन जीरोस था। अब जो यहाँ पर निकलेगा मेरे पास में वो न्यू जीरोस निकलेंगे, दैट इज अब यहाँ पर आप इसमें दो नंबर इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 3 आ जाए और वैसे आपका कितना आ जाए, तो ये x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस x और प्लस 3 मैंने एमटीएस किया इसका, यहाँ से x कॉमन निकाला तो x प्लस का 3 प्लस का 1 कॉमन निकाला तो x प्लस का 3 तो x प्लस का 1 और x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा निकलेगा x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो ये प्रोसेस 3 या 4 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, दो जीरोस गिवन थे उसको मैंने मिला करके एक कॉमन फैक्टर बनाया, उसका डिवाइड करके जो कोशेंट आया उसके अंदर से मैंने बाकी के दो जीरोस निकाले, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये टाइप हमारे पास बनता है। ये 100% आपका 3 नंबर में 4 नंबर में कोई भी यूटी कोई भी आपका टेस्ट हो उसमें आपका आएगा ही आएगा, तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, ठीक है। सेम वैरायटी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर दिस इज द पॉलीनोमियल, सेम वैरायटी ले रहा हूं मैं, इसकी भी डिग्री 4 है और इसके मेरे पास में ये दो जीरोस मुझे गिवन है, तो हम फर्स्ट स्टेप यहाँ पर वही लिखेंगे कि दिस इज जीरो जीरोस दैट इज एक्स इज इक्वल टू रूट में 5/3 एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट दिस विल बी 5/3, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स में रिवर्स गियर लगेगा एक्स माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ 5/3 और दूसरा जाएगा x प्लस में अंडर द रूट ऑफ 5/3। चलो ये दो निकलेंगे फैक्टर, अब इनको मिला के बनाएंगे हम लोग कॉमन फैक्टर, तो ये निकला मेरे पास कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर अगेन आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 5/3। यहाँ पर एक काम और कर लेना है आप लोगों को, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो
तो आप बस यहां पर इसका 3x² और -5/3 मैंने इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद में कॉमन फैक्टर मेरे पास में ये निकला, तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिवाइड हम पॉलीनोमियल के अंदर हम नहीं करेंगे, या करेंगे तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1/3 को एज अ बाहर एक फैक्टर निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3, दिस विल बी 3x² माइनस का 5। अब हम क्या लिखेंगे, p of x must be divisible by 3x² और माइनस का 5। तो आपको बस ये फ्रैक्शन में था, तो आपने एलसीएम लेके जो कांस्टेंट है उसको साइड में निकाल देना, लास्ट में जब हमारे पास आंसर लिखेंगे उसमें हम 3 को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है इसका डिवीजन। तो डिवीजन करेंगे तो 3x^4 प्लस में 6x³ -2x² -10x एंड -5 इज डिवाइडेड बाय 3x² और माइनस का 5 है। चलो अब इसमें डिवाइड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो, नंबर दोनों पे सेम आ रहा है 3 और 3, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर डिग्री मेरे पास में 2 है और यहाँ पर डिग्री मेरे पास में क्या लगाना पड़ेगा, मुझे x की डिग्री 2 लगानी पड़ेगी ताकि मल्टीप्लाई करके 3x^4 आ जाए। तो लेट्स मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 3x^4 और माइनस का 5x², तो डिविजन में ध्यान रखना लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आएगा, क्यूब वाले के नीचे ये नहीं लिखना बिकॉज वो अनलाइक टर्म्स हमारे पास है। तो ये साइन चेंज, माइनस प्लस ये कैंसिल, और ये बचा दिस इज 3x² माइनस का 10x और माइनस 5 और ये 6x³ हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ये प्लस का बचेगा, ध्यान रखना साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस और माइनस का आपका नेगेटिव साइन का बचेगा। ये 6 है, ये 3 है, तो 3 2 लगा देते हम लोग, तो यहाँ कितना लगा दें, तो दिस विल बी प्लस में 2x, तो ये कितना निकलेगा 6x³ और माइनस का निकलेगा 10x, तो वो यहाँ लगाएंगे माइनस का 10x। देखो मल्टीप्लाई करके वाकई में आ रहा है, ठीक है, चलो बाकी में आ रहा है, ये माइनस हो गया और ये कितना हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये बचा 3x² और -5। अब किससे देंगे, प्लस 1 से देते हैं हम लोग, तो 1 लगाएंगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, दिस इज प्लस 1, तो 3x² एंड -5 और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये हो गया कैंसिल, रिमाइंडर 0, मतलब आपका आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, अब क्या लिखते हैं बताइए, स्टेप क्या लिखा था हमने, बाय यूजिंग डिविजन एल्गोरिदम, दिस इज डिविजन एल्गोरिदम, ये लिखना जरूरी है, p(x) = g(x) इनटू में कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। हम हर काम करेंगे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, हमने कुछ भी काम मन से या हवा में नहीं करना है। तो px मतलब ये हमारे पास में दिस इज द पॉलीनोमियल, ये हमारे पास px है, gx मतलब डिवाइजर वो मेरे पास में था, दिस विल बी 3x² और माइनस का 5, कोशेंट जो निकला मेरे पास x² प्लस 2x और प्लस का 1, और रिमाइंडर मेरे पास कितना निकला, प्लस का 0। अब क्या करना है मुझे, फॉर गेटिंग द 0 p(x) = 0, ये जो मेरे पास आया इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो वो हमेशा आपको लिखना पड़ेगा फॉर गेटिंग द 0 p(x) = 0। ये सारे स्टेप मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इसको एज इट इज फॉलो करो, जो टीचर करता है बच्चे उसी को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, तो यदि मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा तो डेफिनेटली आधे बच्चे भी स्टेप नहीं लिखेंगे। तो ये मुझे आपसे फॉलो करवाने के लिए मैं किस चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस विल बी 3x² एंड -5 x² प्लस 2x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैं अगली स्टेप यहाँ पे डाल देता हूँ, अगले स्टेप 3x² -5 इनटू में x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को आप इक्वेट कर लो, 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा निकल जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास में जो निकलेगा 3x² इज इक्वल टू 5, x² इज इक्वल टू 5/3 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस का √5/3, ये मेरे पास में जो निकला ये गिवन 0 है, गिवन मतलब ये मेरे पास में गिवन था, और दूसरा जो यहां से निकलेगा मेरे पास वो कौन सा निकलेगा, जो मेरे को अदर जीरोस निकालने हैं, बाकी की दो चाबियां तो ये इसने मेरे को दे रखी थी, तो ये वापस आंसर नहीं आएगा, आंसर यहां से निकलेगा, दिस विल बी x² प्लस 2x प्लस 1, ये मेरे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 इसके दो फैक्टर बनेंगे, आप बना लेना, तो जो मेरे पास बाकी के दो जीरो निकले -1
और x इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये ऐसा पॉसिबल है कि बाकी के दो जीरोस मेरे सेम आ जाए, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आप दोनों का मिलेगा, ये भी सेम वैरायटी है, तो थोड़ा सा बस डिवीजन का अलग अलग है, ये पॉलिनोमियल है और इसके ये दो मेरे पास जीरोस हैं, तो एनसीईआरटी वालों ने क्या कर दिया, एक बार दो जीरो को इकट्ठा मिला के लिख दिया, तो ये दो जीरो मतलब ये टू प्लस रूट थ्री और ये टू माइनस रूट थ्री, तो जगह बचाने के लिए क्या किया इन्होंने, दो जीरो को इकट्ठा प्लस माइनस को करके लिख दिया, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि ये प्लस माइनस रूट टू, इसका मतलब हुआ कि ये रूट टू पॉजिटिव भी है और रूट टू नेगेटिव भी है, तो इसका जस्ट एक विजुअलाइजेशन समझाना चाह रहा था कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री दोनों को रिप्रेजेंट करना है हमारे पास, तो ये हमारे पास में हो गई दो जीरो मेरे पास में यहाँ दिए हुए हैं, आगे प्रोसेस तो वही लगाना है मुझे, पहले जीरोस फिर फैक्टर्स और उसके बाद में कॉमन फैक्टर, उसके बाद में डिवीजन करेंगे और डिवीजन करने के बाद में जो क्वेश्चन आएगा उसका आप लोग टेस्ट कर दिया, फिर से बोल दूं जीरोस फिर फैक्टर फिर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर के बाद में डिवीजन करके जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन का हम एमटीएस कर लिए, तो पहले यहां पर हम देख लेते हैं, हम लिखेंगे जीरोस, तो जीरोस निकला x इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री और दूसरा निकला x इज इक्वल टू टू माइनस का रूट थ्री, देखो रिवर्स गियर लगाना है रिवर्स, तो x माइनस टू माइनस का रूट थ्री, रिवर्स मतलब पीछे आना, रिवर्स गियर मतलब वापस, पहले फैक्टर से जीरो निकालने में हम ट्रांसपोज करके उधर जाते थे, अब हम जीरो से फैक्टर निकालने में उधर से इधर आ रहे हैं, अच्छा ये कितना निकला x माइनस टू और प्लस में अंडर रूट ऑफ थ्री, चलो अब ये मेरे पास में इनको हम बोलेंगे फैक्टर्स एंड बीच में हमने लगा दिया, अब इन दोनों को मिला के हम बनाएंगे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर जो इस बार निकलेगा x माइनस टू और माइनस का रूट थ्री और x माइनस टू और प्लस का रूट थ्री, डिपेंड करता है आप यहाँ पर आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, जिसको आइडेंटिटी लिखना हो वो इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता है, तो आइडेंटिटी इन दोनों का लगाना और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना दोनों चीजें मेरे पास में ऑप्शन है, मेरे को यदि मैं फिर भी आइडेंटिटी लगाना सिखाओ, हालांकि ब्रैकेट आप खोल सकते हो, बट ये देखो यदि मैं इसको a मानता हूं और दिस इज a और b, तो ये भी मेरे पास भी है a और b है, मगर यहाँ माइनस b और यहाँ a मेरे पास प्लस b है, तो यस आइडेंटिटी क्लियर होना जरूरी है, तो x माइनस टू का स्क्वायर और माइनस में रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये मेरे पास निकल गया x माइनस टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, इसको फर्दर हम अभी और सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और माइनस का थ्री, तो हमारे पास निकलेगा x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, तो ये मेरे पास में निकला कॉमन फैक्टर, अच्छा कॉमन फैक्टर हमारे पास ये निकल गया, अब ये कॉमन फैक्टर का मैं इसमें डिवाइड करने वाला हूं, तो इसमें डिवाइड आप कर दो, तो डिवाइड कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के अंदर हम इसका डिवाइड करते हैं, चलिए तो डिवाइड आप करेंगे, तो डिवाइड करने में पहले वो लिखना पड़ेगा ना कि p ऑफ x मस्ट बी डिविजिबल बाय divisible by x square minus 4x plus 1, चलिए साहब अब divide कर लेते हैं, तो ये मेरे पास में p of x है x की power 4 minus में 6x cube minus में 26x square plus का 138 of x and minus का 35 is divided by यहाँ बीच में partition डाल दूँ या आपको confusion ना हो, इस तरह से ये अलग step है ये अलग step है, चलिए तो यहां पर मैंने डिवाइड करना है x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, तो ये हमने इसका डिवाइड करना है, तो चलो लेट्स डिवाइड, हाँ तो डिवाइड करेंगे तो डिग्री विग्री सेम कर लो, यहाँ पे डिग्री 2 यहाँ पे डिग्री 4, तो कितना लगाऊंगा भैया x की पावर 2 लगाऊंगा, तो x की पावर 2 चलो मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई पूरे से कर लेना, माइनस का 4x क्यूब, देखो क्यूब के नीचे क्यूब लिखेंगे और 1x स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे हम कितना लिखेंगे स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखेंगे, चलो ठीक है आगे दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव और ये आपका निकला माइनस, यहां से आप इसको कैंसिल करोगे ये दोनों कैंसिल हो रहा है, यहां पर यू विल गेट माइनस ऑफ 2, तो यहां पर निकलेगा माइनस ऑफ 2x क्यूब एंड माइनस ऑफ 27x स्क्वायर प्लस ऑफ 138x और माइनस का 35, चलिए सब्ट्रैक्शन है प्लस माइनस का बस ध्यान रखना है, आगे माइनस का 2 मुझे यहां पे चाहिए, तो यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स, चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस का 4 टू द 8x का स्क्वायर
ठीक है, 4 2s दिस इज माइनस माइनस 4 2s एक्स एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स आया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये निकला मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव और ये निकला पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। तो ये दोनों कैंसिल, माइनस था साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है 27 8, ये दोनों के दोनों नेगेटिव है तो 3, और आप यहाँ पे ऐड कर लो 35 आ जाएगा ये, माइनस का 35 स्क्वायर और ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का कितना निकलेगा 140 ऑफ एक्स और माइनस का 35। चलो अब यहाँ पे माइनस का 35 है तो 35 यहाँ पे लगा लेते हैं, कितना निकलेगा, दिस इज माइनस ऑफ 35, डिग्री दोनों की बराबर है ना, है ना, तो डिग्री में आपको कुछ नहीं करना, 35 एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर प्लस का दिस इज 140 ऑफ एक्स एंड माइनस का 35, तो दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अरे ये भी कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, ये होना ही था, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, ना आए तो चौंकना है, ये आपका रिमाइंडर जीरो आया। अब मैं यहाँ पर स्टेप्स को ना लिखते हुए मैं सीधे इसके अंदर क्या करता हूँ, डिविजन एल्गोरिथम का यहाँ पर स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सॉरी पी ऑफ एक्स, यहाँ पर मेरे पास जो पॉलीनोमियल है पी ऑफ एक्स, दिस इज एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस का 35, वेट पहले मुझे डिवाइजर लिखना था, पहले मैं डिवाइजर लिख लेता हूँ, तो डिवाइजर मेरे पास भी ये है, दिस विल बी एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, और कोशेंट मेरे पास में निकला एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स माइनस का 35 और प्लस में रिमाइंडर आपका निकला जीरो। फॉर गेटिंग द जीरो वाली स्टेटमेंट भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो, और भैया जीरो निकालना है तो जीरो के इक्वेट में तो करना ही पड़ेगा, और उस दिन मैंने बताया था अनुप्रास अलंकार, जीरो और जीरो, तो जीरो मतलब सॉल्यूशन और जीरो मतलब ये वाला जीरो, जीरो की दो मीनिंग होते हैं यहाँ पर ना, तो एक बार जीरो जो बोलेंगे वो इस वाले जीरो के लिए और दूसरा वाला जीरो जो बोलेंगे जो इसका आंसर आएगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा उसके लिए, तो इसके तो फैक्टर हमें निकालना नहीं है, हमें इसका फैक्टर निकालना है, तो एक्स का स्क्वायर 5 7 35 5 7 2, तो माइनस का 7x एंड प्लस का 5x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0, यहां से आपने कॉमन निकाला तो बचा x माइनस 7 प्लस का 5 कॉमन निकाला तो x माइनस 7 और इक्वल टू 0, तो x माइनस का 7 और x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या निकला मेरे पास में, अदर टू 0 यहां से निकलेगा, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस का 5, और ये नए जीरो निकले, और इसके अंदर से जो दो जीरो निकालेंगे वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपका कितना होगा, वो आपका ये वाला होगा, दैट इज 2 प्लस में रूट 3 और 2 माइनस का रूट 3, तो दो जीरो मुझे दिए थे और बाकी के दो जीरो मैंने निकाल लिए। चलिए ये एक वैरायटी तो हो गई जहां पर अदर जीरो निकालना था, बट डिविजन पॉलीनोमियल में काफी है, तो डिविजन पर बेस अभी हम लोग और दो तीन क्वेश्चन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है चैप्टर 2 एनसीईआरटी की पॉलीनोमियल और पेज नंबर 37 पे 5th क्वेश्चन है, तो उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज को देख करके कुछ बच्चों का बड़ा ही भ्रम रहता है, कंफ्यूजन रहता है, वो क्लेम करते हैं कि सर इसमें ये लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इस बात को समझे कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 15 साल के आसपास पुरानी है, मुझे 15 साल तो हो ही गए, तो 15 साल से यही सेम रिप्रिंट आ रहा है, तो 15 साल की पहले के जो का प्रिंट आ रहा था वही प्रिंट आज भी आ रहा है, बट इन 15 सालों में सीबीएसई ने अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल, अपने रूल्स, अपने फॉर्मेट, एग्जाम का पैटर्न काफी कुछ चेंज, बहुत ज्यादा चेंज किया है, बट अनफॉर्चुनेटली किताबें वही हमारे पास रिप्रिंट होके मिल रही है, तो नई गाइडलाइंस के अंदर इन सब चीजों को निकाल दिया गया है कि देयर इज नो एनी एक्सक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन, तो सीबीएसई की जो नई गाइडलाइंस है जो इनकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये प्रूवन रिजल्ट है, ये अवेलेबल है पब्लिक डोमेन के अंदर, तो इस बात को निकाल देना दिमाग से कि ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का है तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, बल्कि अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एज पर एज जो अभी का लेवल है उसके हिसाब से, तो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इफ द पॉलीनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय, तो एक तो पॉली मेरे पास ये हो गया और दूसरा पॉली मेरे पास ये हो गया, दिस इन दोनों का डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो तीसरा मेरे पास ये हो गया x प्लस a, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k और a, ये मेरे पास में क्वेश्चन है,
रिमाइंडर आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्या करना है, आपको डिवाइड करना है इसके अंदर। तो सिंपल हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन ऑप्शन दूसरा मेरे पास में यहाँ बनता नहीं कि मैं कुछ रिमाइंडर थ्योरम में कुछ फैक्टर थ्योरम लगा लूं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट मेरे पास में के है, तो इसके फैक्टर तो निकलेंगे नहीं, तो आई कांट यूज फैक्टर थ्योरम और द रिमाइंडर थ्योरम। दूसरा कारण ये है कि जो रिमाइंडर है वो कॉन्स्टेंट भी मुझे गिवन नहीं दिया, इसके अंदर भी आपका ए और एक्स आ रहा है, तो वो जो नाइन्थ क्लास की अप्रोच है उसके अंदर हम कर सकते थे कि यदि यहाँ पर मेरे पास कोई नंबर होता, यहाँ भी कोई नंबर होता, तो मैं बिना डिविजन के हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते थे। बट अभी ये क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा मुझे, रिमाइंडर थ्योरम से नहीं लॉन्ग डिविजन मेथड से करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन लिखो और डिवाइड करना शुरू करो। 16x square minus of 25 and plus of 10 is divides by this will be x square minus का 2x and plus का k। चलो तो अब डिग्री हम ऐड करें तो ये निकलेगा मेरे पास x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो x की पावर 4 minus 2x cube minus of 2x cube and plus में k x का स्क्वायर, साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसल हो रहा है, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 4x क्यूब। और अब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है या फिर थोड़ा सा बच्चा सोचेगा कि अब क्या करूं मैं, क्योंकि 16 में से k तो माइनस होगा नहीं, तो भैया 16 x स्क्वायर और माइनस का k x स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास में k तो माइनस 16 x स्क्वायर में से माइनस नहीं होगा, मगर x स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो सपोज आप यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो कितना बचा, 16 माइनस का k, तो ये मेरे पास क्या होगा, इन दोनों से मैं कितना कॉमन निकालूंगा, एक्स स्क्वायर, वो प्लस का कॉमन निकल गया, प्लस का एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने, तो अंदर कितना बचा 16 माइनस ऑफ के माइनस ऑफ, चलो ये चीज देखो मैंने जो किया है उसको मैंने करके दिखाया, 25 ऑफ एक्स और प्लस का 10। चलिए अब ये बस ये बिकॉज ऑफ द के आपको लाइक टर्म नहीं है, बिकॉज 16 और के तो कॉमन निकाल के आपको इस तरह सॉल्व करना है। चले अब अगला कोफिशिएंट मेरे पास में जो लाना है वो माइनस का 4x क्यूब लाना है, तो नंबर यहां पर है 1, तो 1 में हम क्या करते हैं माइनस का 4 रख लें और डिग्री मेरे पास कितना लगा लेते हैं x लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस का 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस का 8x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और इनटू 8, दिस इज 8x स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस का 4kx माइनस का 4 kx एंड साइन चेंज, हम फिर से मैंने यहाँ पर वही काम किया, x क्यूब के नीचे x क्यूब लिखा, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखा और x के नीचे x लिखा है मैंने, तो ये आपको डिवाइड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जरा सी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से करना होता है। चलिए फिर यहाँ पर मैंने वही काम करना है, यहाँ पे मैंने ये मैं अलग से आपको फिर रफ में करके दिखा देता हूँ कि दिस वुड बी x स्क्वायर इनटू 16 माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 8 एक्स स्क्वायर था, तो इन दोनों में से मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, बिकॉज ये वैसे तो सब्ट्रैक्ट होना नहीं है, तो आपने यहाँ से दोनों से एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो 16 माइनस ऑफ के माइनस ऑफ 8, ये आप भी रफ में करके देख लेना एक बार कि वाकई में इसको माइनस करके कितना आ रहा है, यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है 16 माइनस 8 इज 8 माइनस के, तो ये इतना बचा मेरे पास, मैं इसको रफ में सॉल्व करके सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस विल बी प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 8 माइनस का दिस विल बी के 8 माइनस का के, यहां से भी मैं इसको रफ में सॉल्व कर लेता हूं और आप समझ गए हो पैटर्न, तो मैं यहां से x कॉमन निकालूंगा, तो प्लस का x कॉमन निकाला, दिस इज 4k एंड माइनस ऑफ 25 एंड प्लस ऑफ 10। ठीक है, ये जो मैंने यहां आपको ये रफ में करके दिखाया यही चीज मैंने यहां पे डायरेक्टली करी, यहां पे मैंने दोनों से x कॉमन निकाल रखा है। चलिए दोनों से मैंने x कॉमन निकाल लिया, अब अभी इट इज नॉट रिमाइंडर क्योंकि अभी डिग्री दोनों की बराबर है, तो अभी तो चांस है डिवाइड करने का। ये देखो यहां से मैंने इन दोनों से x कॉमन निकाला है, ठीक है, और अंदर जो बचा मेरे पास 4k और माइनस का 25 मैंने यहां पर लिखा। अच्छा अब द कोफिशिएंट इज 8 माइनस के, x स्क्वायर में यहां पर कोफिशिएंट है 8 माइनस के और यहां पर कितना है 1 है, तो आई विल मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस का k, मैं मल्टीप्लाई यहां करूंगा, तो 8 माइनस के का मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, दिस विल बी 8 माइनस के, फिर माइनस 2 का है मेरे पास, मैं इसको रफ में करके दिखा देता हूं आपको, माइनस का 2x और इनटू में 8 माइनस का k,
तो मैं माइनस टू जो है मेरे पास, जरा ध्यान से देखना स्टेप को, मैं माइनस टू एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करने वाला हूँ, एट माइनस के का, तो ये जो और साथ में वो भी लिख लेते हैं प्लस एट माइनस के इज मल्टीप्लाइड बाय के, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों से होगा, इससे भी होगा, वो तो मैंने कर दिया यहाँ पे, इनसे भी होगा, इनसे भी होगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये x अंदर नहीं जाएगा, या फिर आप इसमें से एज इट इज हैंड दो, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, आई थिंक इट इज बेटर, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कितना निकला माइनस का 2x, दिस विल बी 8 माइनस का k, और प्लस में ये निकला 8 माइनस ऑफ k और इनटू में k, 8 माइनस में k और इनटू में यस 8 माइनस k इनटू में k, चलिए ठीक है। अब आगे रिमाइंडर, इसको माइनस करेंगे, तीनों के साइन चेंज मैं कर रहा हूं, तो तीनों का साइन चेंज करके आप यहां पे दिखा दें, दिस इज ये मेरे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल, ये बना ही कटने के लिए तो कट गया। यहां पर फिर वही चीज मैं काम करने वाला हूँ, यहां से और यहां से x कॉमन निकालने वाला हूँ, तो आपने यहां से x कॉमन निकाला, आप जरा ध्यान से देखना कितना आ रहा है मेरे पास, यहां ऊपर बच रहा है दिस विल बी 4k माइनस का 23, और यहां पर आपका x तो कॉमन निकल गया, मगर ये माइनस टू जो बचा, माइनस टू नहीं हो प्लस का टू है, आई रिपीट ध्यान से देखना, ये माइनस टू नहीं है, अब वो प्लस का टू है, ये प्लस का टू जब अंदर जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 16, एंड ये प्लस का है, ये बड़ा कंफ्यूजन होगा आपका, माइनस नहीं है ये, और ये प्लस माइनस, माइनस का कितना निकलेगा ट्वाइस ऑफ के, और ये आपका, इन दोनों को हम लिखेंगे सॉल्व करके, तो प्लस 10 प्लस 8 के एंड माइनस ऑफ के स्क्वायर, तो ये मैंने इन दोनों का ब्रैकेट खोल दिया, 10 हमारे पास में आ गया। अब ये रिमाइंडर आ चुका है मेरे पास, इसको और फर्दर मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब डिवाइड नहीं दूंगा, बट हाँ इसको मैं इंटरनल सॉल्व करूंगा, तो इंटरनल सॉल्व कर लेते हैं, 4k माइनस का तो दिस इज 2k एंड माइनस ऑफ 9 आना चाहिए, 5 प्लस 4 9, और ये निकला प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस ऑफ 8k एंड माइनस ऑफ k स्क्वायर, ये निकला रिमाइंडर, तो ये निकला हमारा वाला रिमाइंडर जो हमने इसका हमने जो एक्चुअल डिवीजन किया, ये हमारा रिमाइंडर निकला, और उन्होंने उनके हिसाब से रिमाइंडर दे रखा है x plus a, तो दीज टू थिंग्स शुड बी इक्वल, उनका वाला रिमाइंडर जो उन्होंने दिया था और ये हमारा वाला रिमाइंडर, तो ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं, बट अंडर व्हाट कंडीशन दे वाज बी इक्वल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड के, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो मुझे यदि इनको निकालना है तो इक्वेटिंग करना पड़ेगा रिमाइंडर को, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वेटिंग द रिमाइंडर, तो मैं रिमाइंडर को इक्वेट करूंगा, चलिए तो इक्वल टू में, चलो अगले स्टेप में कर देता हूं, x इंटू में 2k माइनस ऑफ 9 प्लस 10 प्लस 8k माइनस ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस कितना था a, चलो इक्वेट किया हमने, तो कोफिशियंट इक्वल होना चाहिए, यहां पर x का कोफिशियंट 2k माइनस 9 और यहां पर जो x का कोफिशियंट है आप यदि देखो ये x प्लस a है, दिस इज x प्लस a, तो यहां पर जो x का कोफिशियंट है वो कितना है इज 1, तो कंपेयरिंग करोगे यदि आप, यदि ये दोनों बराबर है तो किस कंडीशन में बराबर होगा, जब इसका x का कोफिशियंट इसके बराबर होगा उसी कंडीशन में ये रिमाइंडर इक्वल होंगे, तो मैं इक्वेट कर देता हूं कंपेयरिंग द कोफिशियंट, एक स्टेटमेंट और कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स, तो 2k माइनस ऑफ 9, 2k माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 9 डिवाइड, सॉरी 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, ये सॉरी 10 अपॉन 2, तो दिस विल बी 10 अपॉन 2, तो ये निकला 5, और दूसरा k इज इक्वल टू 5, और मैं k को यहां डाल देता हूं, तो इनको भी मैं इक्वेट कर लेता हूं, दिस इज 10 प्लस 8k माइनस ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल टू a, और ये जो मेरे पास 9 को उधर शिफ्ट किया 10 और अपॉन में 2 दैट इज 5, ये 5 को मैं यहां लगा देता हूं, और थोड़ा सा पोर्शन मैं यहां सॉल्व कर दूं, k की वैल्यू 5 निकली है, 5 को मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो दिस विल बी 10 प्लस 8 इनटू 5 और माइनस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a, दिस विल बी 10 प्लस 40 माइनस का 25 इज इक्वल टू a, 50 माइनस 25 इज 50 माइनस 25 इज 25 दैट इज इक्वल टू a,
तो ये हो गया मेरे पास एक और क्वेश्चन जहां पर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया। इस चैप्टर में काफी जगह काफी क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल के अंदर ये जो सेकंड वाली वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इसमें डिवीजन के बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये वाला वीडियो जो हमारे पास इसमें डिवीजन ही डिवीजन है, तो डिवीजन में एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, अवॉइड मत करना, इन सबकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करना। एक क्वेश्चन अभी और लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए ये पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी, दिस इज एनसीईआरटी और ये भी छप गया फॉर 3 मार्कर, 3 मार्कर के लिए ये भी क्वेश्चन छप गया। तो छप गया मतलब आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको ये। तो देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं। तो ये पॉली है इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉली जीएक्स है, द कोशेंट एंड रिमाइंडर, मतलब ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो फाइंड, ये उल्टा मैं हमेशा बोलता हूँ, रिवर्स वाला क्वेश्चन आपको हमेशा बोलेगा। तो अभी तक आपको डिविडेंड था, डिवाइजर था, अब रिमाइंडर निकाल दे रहे। अब रिमाइंडर आपके पास और कोशेंट आपके पास दिया हुआ है, तो आपको डिविडेंड निकालना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे भाई बाय यूजिंग डिविजन एल्गोरिदम का आप यूज करेंगे। तो व्हाट इज दिस, दिस इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इनटू में कोशेंट एंड प्लस में रिमाइंडर। चलो तो पी एक्स मेरे पास में ये है, दिस इज एक्स का क्यूब मतलब डिविडेंड है 3x² और प्लस एक्स और प्लस का 2। जो जी एक्स है दैट इज डिवाइजर, वो मुझे निकालना है। कोशेंट जो दिया है दिस विल बी एक्स माइनस का 2 और जो रिमाइंडर है वो आपके पास है माइनस ऑफ 2x एंड प्लस का 4। चलो तो ये जीएक्स निकालना, सिंपल बेस क्वेश्चन है ट्रांसपोजिंग पर। तो आपको ये जीएक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ट्रांसपोज आप इसमें करेंगे, ये इसको आप यहां पकड़ लीजिए, इसको पकड़ करके आपको ट्रांसपोज करना है। तो मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ट्रांसपोज करने में पहले ये चीज इधर आएगी या पहले ये चीज इधर आएगी ना? तो जो बाहर वाला पार्ट है एक्सटर्नल प्लस वाला पार्ट है वो पहले इधर ट्रांसपोज होगा। तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x² प्लस एक्स और प्लस 2 ये मेरे पास आया और रेड मार्कर यूज कर लेते हैं। एक्स प्लस 2 ये ट्रांसपोज करेंगे, इसका साइन होगा चेंज 2x माइनस का 4, ठीक है? और इज इक्वल टू ये कितना बच रहा है मेरे पास gx और ये बचा x माइनस का 2। चलो अब इसको मैं ये दो लाइक टर्म्स और ये दो लाइक टर्म्स, तो ये निकला एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x² प्लस में 3x माइनस 2 और इज इक्वल टू ये निकला मेरे पास gx और ये जो मेरे पास में x माइनस 2 है ये अगले स्टेप में डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x² प्लस 3x एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और इक्वल टू में ये निकला मेरे पास g ऑफ x। तो अब मतलब जो डिवाइजर मेरे पास में है आपको फाइंड करना है, तो इन दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इन दोनों का डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। तो लॉन्ग डिविजन मेथड हम यहाँ पर लगा लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x² प्लस में 3x एंड माइनस का 2 इज डिवाइड बाय दिस विल बी x माइनस का 2। तो इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0 और जो इसका कोशेंट आएगा वो आपका होगा जी एक्स, दैट इज अ डिवाइजर। तो वो आप डिवाइडर खुद करोगे लॉन्ग डिविजन मेथड, वो हम काफी चीजें कर चुके हैं, ठीक है? तो एक छोटी सी वीडियो और बनेगी अल्फा बीटा पर, जीरोस पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो मुझे करवाने हैं और वन मार्कर कुछ क्वेश्चन लेने मुझे, बाकी पॉलीनोमियल इज फिनिश्ड फ्रॉम एक वीडियो और है, उसके बाद में मैं ट्रिगो शुरू करूंगा। और बाकी कुछ बातें हैं, सारे बच्चे हैं समझदार हैं टेंथ वाले, जिनको तुम लोगों से बहुत दिन हो गए मिले हुए तो काफी याद आ रही है, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, दूर से क्लासेस कर रहे हैं। देखो मैथ्स हम जो कर रहे हैं इट गिव्स अस स्किल्स, ये हम सब्जेक्ट हमारा ऐसा है मैथ्स करने से, ये मेंटल टफनेस और स्किल्स और चैलेंजिंग स्पिरिट आपके अंदर डेवलप करता है। तो ध्यान रखना लाइफ में, ये तो ठीक है ये एक चैलेंज है हमारे पास में जो अभी द होल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड आया है और आगे पता नहीं क्या होगा, बट पेशेंस एंड हाउ टू हैंडल विद द सिचुएशन
वो चीज जो हमारे पास आप लोग अभी सीख रहे हो, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और साथ में उनको इम्प्रूव करने के लिए जो मैं मानता हूं द मेन पार्ट जो मैथ्स का हमारे लाइफ में पड़ता है वो यही चीज होती है कि मैथ्स हमें सिचुएशंस को डील करने में, उससे स्ट्रगल करने में, हमारे अंदर की एबिलिटी को, हमारे अंदर की स्किल्स को इम्प्रूव करता है। दिस इज मेरा ये पर्सनल बिलीव है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि मैथ्स करने से कुछ होना हो मगर ये सारी चीजें आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। चैलेंजिंग चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जाए, तो कीप डूइंग मैथ्स एंड कीप फाइटिंग एंड ठीक है, टेक केयर, बाय।